आपकी प्री वॉश सोप की साइकिल कंप्लीट हो गई है। डोर को ओपन कर लें, बास्केट निकाल लें। अब हम बताएंगे आपको इसको क्लीन कैसे करते हैं। जब ये साइकिल कंप्लीट हो गई है उसके बाद सबसे पहले पीछे से टैप को ऑफ कर दें। टैप ऑफ करने के बाद सबसे नीचे जो फिल्टर है उसको बाहर निकाल लें। इसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, जो प्लेट्स जो आपने बर्तन रखे हैं उस पर, वो इस पर आ जाएंगे। मेन फिल्टर बाहर आ जाएगा। ये आपका कोर्स फिल्टर है, इसे कोर्स फिल्टर कहते हैं। इसे फाइन फिल्टर कहते हैं। इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स था, ये देख रहे हैं आप, सैंप एरिया पे इसके लग गया। ये फाइन फिल्टर था आपका, मेन फिल्टर, सॉरी, मेन फिल्टर, फाइन फिल्टर, कोर्स फिल्टर को आप रनिंग वाटर टैप के नीचे रख दें और इसको ब्रश से क्लीन कर ले, ये साफ हो जाएगा। वापस इसको फिक्स करने के लिए कोर्स फाइन फिल्टर को नीचे लगाएं मेन फिल्टर के ऊपर और कोर्स फिल्टर को इसमें फिक्स कर दें। ये लॉक हो गया। ये आपका स्प्रे आर्म है, इसको निकालने के लिए इसको ऐसे ऊपर उठाएं, ये अलग हो जाएगा। अगर ये गंदी हो गई है इसे आप क्लीन कर सकते हैं पानी से और सोपी वाटर से। इस पर आपको स्क्रैचलेस स्पॉन्ज यूज करना है ताकि इस पर स्क्रैचेस ना आए। इसको फिक्स करने के लिए इसी तरीके से इसको ऊपर से दबा दें, ये फिक्स हो गया। धोने के बाद फिल्टर को भी फिक्स कर दें, ये फिक्स हो गया आपका फिल्टर। इसको आप अंदर सूखे कपड़े से पोंछ लें, ये आपका साफ हो जाएगा। जब इसमें सॉल्ट खत्म हो जाएगा, आपके कंजप्शन के अकॉर्डिंगली, साइकिल के अकॉर्डिंगली ये कंज्यूम करेगा। अगर ये H4 पे सेट है 20 ग्राम पर साइकिल ये यूज़ करेगा, और जब इसमें नमक खत्म हो जाएगा तो वार्निंग लाइट आपके डिस्प्ले पे शो करेगी। इसी तरीके से रिंस 8 डिस्पेंसर की लाइट शो करेगी। डिटर्जेंट आपको हर एक वॉश में बदलना होगा, जो अगर बच गया है तो आप उसको निकाल के फेंक दीजिए, फ्रेश इसमें आप हर एक साइकिल में लगाइए। इसको बंद कर दें, ऑन ऑफ बटन से बंद कर दें और स्विच ऑफ।